हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ विद रचना। तो आज सुबह ना मैंने उठकर सबसे पहले चिया सीड्स को पानी में सोक कर दिया है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सुनती हूँ कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी कुछ दिन इसको लेकर देखती हूँ। तो ये 10 से 15 मिनट में बहुत ही अच्छे से सोक हो जाता है। तो जो मैं नींबू पानी लेती हूँ सुबह, उसी में इसको मिक्स कर दूँगी, नींबू पानी और शहद में। और इसका टेस्ट तो कुछ भी होता नहीं है, तो आसानी से इसको ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बना लिया अपना नींबू पानी और इसमें चिया सीड्स को भी ऐड कर दिया है। तो कैल्शियम होता है इसमें अच्छी मात्रा में, और भी कई चीज़ें होती हैं, तो अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो चलिए मैं इसको पीती हूँ सबसे पहले। तो मैं सच बताऊँ मैं क्यों ले रही हूँ ये, क्योंकि बेटा मेरा बहुत बोल गया है इस बार, और वो लेता है चिया सीड्स। तो उसने बोला है कि माँ आप भी लेकर देखना, अच्छा होता है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, बोला है उसने तो मैं भी शुरू करती हूँ। तो मैंने पी लिया था नींबू पानी, तो और अब बना रही हूँ मैं चाय, थोड़ी सी गैप के बाद बनाती हूँ। तो जब बच्चे बोलते हैं ना कि माँ अपना ख्याल रखा करो, तो इस तरह की बातें सुनकर ना बड़ा अच्छा लगता है। केयरिंग नेचर उनका समझ में आता है कि हाँ हमारे लिए भी वो सोचते हैं। तो वो अक्सर ही इस तरह से बोल कर जाता है कि माँ आप ना दही ज़्यादा खाया करो, दूध लिया करो, दो टाइम दूध लिया करो, ये खाया करो, वो खाया करो, फ्रूट्स खाया करो खूब सारे। तो इस तरह से बोलता है, तो सुनकर अच्छा लगता है। और यहाँ अभी मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो बहुत दिनों से ब्रेड नहीं लाई थी, तो आज मैं लाई हूँ ब्राउन ब्रेड। और इसका मैं बना रही हूँ भरते वाला सैंडविच जो होता है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगे सुन के, पर मुझे तो बैगन वाला जो भरता होता है वो बहुत अच्छा लगता है इसके साथ भर के। और दूसरा सैंडविच मैंने बनाया है चीज़ का, क्योंकि बच्चे आते हैं तो चीज़ वगैरह आ जाती है घर में, वैसे तो मैं नहीं रखती हूँ। तो उसी को मैंने कट करके उसमें लगा दिया है, साथ में खीरा टमाटर भी है। तो दो टोटल बना लिए हैं मैंने सैंडविच। तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ चलकर, फिर देखती हूँ आज का दिन कैसे गुजरने वाला है, देखती हूँ आज के दिन में क्या होने वाला है। और बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में, देखते रहिएगा। ये भरता वाला सैंडविच है, मुझे तो ये बहुत टेस्टी लगता है। और अभी लाइट गई हुई है, आई नहीं है, तो गर्मी बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है पूरा। नाश्ता हो गया था, इसके बाद कौओं चिड़ियों गिलहरियों के साथ भी मैंने टाइम स्पेंड कर लिया है। अब चलती हूँ किचन में, तो है अब लंच की तैयारी। और आजकल ना मेरे घर में ये ककोरा की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा बन रही है, अल्टरनेट डेज में बन ही रहा है ऐसा लग रहा है मुझे। जब पापा मम्मी आए थे ना, तब मैं ये लेकर आई थी ककोरा, तो ये बच गया था, आधा आधा मैंने रख दिया था। और अरवी लाई थी तो वो भी बची हुई है। दोनों सब्ज़ियाँ आज मैं बना लूँगी, तो रात में कुछ भी बनाना नहीं पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ हल्दी ख़त्म हो गई थी, तो ये भी निकाल दिया है। मसाला थोड़ा थोड़ा निकालती हूँ मैं, अभी बरसात के मौसम में तो वैसे भी कम कम ही निकालती हूँ। और यहाँ देखिए तेल गरम हो गया है, जीरा डाल दिया है, प्याज डाला है स्लाइस की हुई, और हल्का सा भूनने के बाद प्याज को ये ककोरे जो है कट किए हुए वो डाल दिए हैं। हाई फ्लेम पर इसको हल्का भून लेना है, वही है सेम तरीका मेरा बनाने का। सॉल्ट डाला है, हल्दी डाली है, और लाल मिर्ची का पाउडर है, धनिया पाउडर है, ये सब डालती हूँ। इसमें अमचूर का भी पाउडर डाल सकते हैं, पर मैं नहीं डालती हूँ, ज़रा सा पड़ जाएगा तो बुरा नहीं लगेगा। और सौंफ भी इसमें डाल सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। मम्मी मेरी सौंफ डालती हैं, पर मैं नहीं डालती सौंफ। और ये मैंने यहाँ कट किया था, जो आजकल पेयर्स आते हैं ना, बड़े अच्छे आते हैं, बहुत ही मीठे हैं, जो बाबू गोशा बोलते हैं वही है। तो जब भी मैं इस तरह की कोई भी चीज़ खाती हूँ तो थोड़ी सी इधर भी रख देती हूँ बालकनी में ज़रूर। और ये देखिए बादल ना, एक साइड में बादल हो रहे हैं, ऐसा लग रहा बारिश होने वाली है, पर दूसरी तरफ अभी धूप है, पता नहीं क्या होगा, देखते हैं। गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, उमस वाली। तो ये पेपर मैं उठा लिया है बाहर, अभी दरवाज़ा मैंने अभी खोला था। तो ये सैटरडे का है व्लॉग, देखिए मैंने पेपर आपको दिखाया उसमें। और इसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ, थोड़ा बहुत जो डेली रूटीन का काम होता है मेरा,
ये डस्टिंग वगैरह का, सोफ़े के कवर सारे हटाती हूँ, लगाती हूँ सब अपनी जगह पर। तो आज थोड़ा सा सामान हटाकर मैंने अच्छे से डस्टिंग की है। जो कॉर्नर में ये बुद्धा में रखती हूँ, और प्लांट भी रखती थी, इंडोर प्लांट भी, लेकिन आजकल ना एरिका पाम ज़्यादातर मैं रखती हूँ सब कुछ, लेकिन बेकार हो गया, ख़राब हो गया, सूख गए हैं सारे पौधे अभी। और अभी नर्सरी जाना हुआ ही नहीं है, सोचा था पहले बेटा आएगा तब जाऊँगी उसके साथ, लेकिन बिल्कुल 2 दिन के लिए आया था, टाइम ही नहीं था। इसी बीच में पापा मम्मी भी आ गए थे तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो देखिए कब जाती हूँ मैं, और बस इसी तरह से काम चल रहा है अभी सुबह का, और डस्टिंग हो रही है। ये टीवी यूनिट है, यहाँ भी साफ़ कर देती हूँ। एक साइड में सब्ज़ी भी बन रही है किचन में, तो सब काम साथ साथ में हो रहे हैं मॉर्निंग के। और हो गई है साफ़ सफाई इधर मेरी, और सब कुछ मैंने क्लीन कर कर जगह पर लगा दिया है। तो इस साइड का तो हो गया था, लिविंग रूम का सारा सब कुछ साफ़ हो गया था, और अब मुझे अपने रूम में सफाई करनी है, डस्टिंग करनी है, बेडशीट भी चेंज करनी है, क्योंकि अभी काफ़ी दिन हो गए इसको बिछे हुए। तो इसको हटा देती हूँ, वॉश कर देती हूँ, और धूप अभी निकली हुई है, नहीं तो होता क्या है आजकल अगर बारिश हो गई तो बहुत ही देर से सूखता है। और बेडशीट को डाल देती हूँ मशीन में वॉश करने के लिए। यहाँ मैंने चेंज कर दी थी, दूसरी बिछा दी है, धुली हुई साफ़ चादर है ये। अब आ गई हूँ फिर से किचन में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ चने की दाल, इसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और काफ़ी दिनों से चने की दाल भी मैंने नहीं बनाई है, ज़्यादातर तुअर की दाल ही बनती है, अरहर की दाल जिसे कहते हैं। तो उसको वॉश करके और मैंने भिगो दिया है। चने की दाल को थोड़ा भिगोना ज़रूरी है 1 घंटे के लिए। और सब्ज़ी भी बस अभी तैयार है, यहाँ पर ये बॉटल्स कुछ खाली रखी थी, इसको भी भर देती हूँ। तो नहाने जाने से पहले ये सारे काम मैं कर देती हूँ, खाने की तैयारी भी मैं आधा कर देती हूँ, सब्ज़ी बना देती हूँ, दाल मैं कई बार नहाने के बाद चढ़ाती हूँ, चावल तो बाद में बनाती हूँ क्योंकि उसमें टाइम नहीं लगता है और खड़ा भी नहीं होना पड़ता है तो पसीना नहीं आता। एक्चुअली होता क्या है, या तो पूरा खाना भी नहा के बन सकता है पर इतना पसीना आता है कि फिर लगता है कि बाद में ही नहाऊंगी। तो ये देखिए ककोरे की सब्ज़ी एकदम तैयार है, बिल्कुल सिक्कर। और यहाँ ये थी अरबी की सब्ज़ी, बॉइल्ड थी अरबी। तो अभी इसको बनाने जा रही हूँ नॉन स्टिक पैन में। सरसों का तेल लिया है और इसमें मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। तो इसको ना अरबी को थोड़ा सा हथेली से दबा देते हैं तो अच्छे से सिक जाती है। और एक मैंने छोटी सी कटोरी में जीरा, अजवाइन और ज़रा सी राई, मेथी दाना ये लिया है। तो बस इतनी चीज़ें इसमें मैंने डाली हैं। सौंफ इसमें अच्छी नहीं लगती है, वो नहीं डाली है मैंने। और इसके बाद डाल दी है ये बॉइल्ड अरबी जो थी, ऊपर से हींग डाली है इसमें, हींग बहुत ही ज़रूरी है डालना अरबी में। और ये जो थोड़ी रेड चिली रखी थी वो डाल दी है। हल्का सा भूनने के बाद सारे मसाले, बेसिक मसाले डाल दिए हैं, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची का पाउडर है, गरम मसाला ज़रा सा चुटकी भर डाल सकते हैं इसमें। बस अभी इसको सेक लेना है ऑयल में। तो ये ना अच्छे से जब भुन जाती है तो ये बहुत अच्छी लगती है। पहले थोड़ा सा लो फ्लेम पर इसको भूनिए, इसके बाद हाई फ्लेम करके इसको अच्छे से सेक लीजिए, तभी करारी जब सिकती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो जब तक वो सिक रही है, यहाँ ये दाल भी तैयार थी सोख होकर पानी में, इसको मैंने कुकर में डाल लिया है और अंदाज से पानी डाला है कि ये अच्छे से बॉयल हो जाए। तो पहले तो इसमें नमक और हल्दी डालकर ही मैं बॉईल कर लेती हूँ, और हींग डाल दिया है। तो कई बार मैं इसमें ना टमाटर सीधे इसी में डाल देती हूँ, और आज मैं अलग से इसका तड़का लगाऊंगी, प्याज टमाटर लहसुन वाला, तो मैंने उसमें नहीं डाली है दाल में। और अरबी भी यहाँ देखिए तैयार है, बिल्कुल बहुत ही अच्छी टेस्टी लगती है इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर दाल भी आज चढ़ा दी थी, क्योंकि ये ना पकने में थोड़ा टाइम लेती है, इसलिए मैंने सोचा इसको मैं गैस पर रख देती हूँ कुकर को, और मैं जाती हूँ नहाने अभी, उसके बाद आकर फिर सारा काम करूँगी। उसमें तड़का लगाना है और चावल बनाना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आ चुकी थी नहाकर। और देखिए ना इंसान का मन कैसा होता है, गर्मी जब बहुत होती है तो ऐसा लगता है गर्मी, हाय गर्मी कितनी, सर्दी होती है तो सर्दी भी अच्छी नहीं लगती, एक्सट्रीम तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता।
और अब ऐसा लग रहा है थोड़ा सा मौसम ठीक हो तो कुछ काम और भी करूं थोड़े से, लेकिन अभी गर्मी में तो कुछ भी एक्स्ट्रा काम करने का मन नहीं होता, डेली रूटीन के जो काम हैं वही हो जाए वही बहुत होता है। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, कंघी करने के बाद दिया जलाती हूँ और थोड़ी बहुत जो भी मैं पूजा करती हूँ अपने तरीके से वो करती हूँ। इसके बाद किचन में आ गई हूँ फिर से और ये बन रही है अब दाल के लिए तड़का। तड़का बना रही हूँ, इसमें प्याज लहसुन अदरक हरी मिर्च कट करके डाली है और देसी घी में ही बनाती हूँ मैं, टमाटर भी घिस रही हूँ। तो चने की दाल में हींग जीरे का नहीं, इस तरह का तड़का अच्छा लगता है ज़्यादा, थोड़ा सा मसाला भी उसमें पड़ता है तभी चने की दाल अच्छी लगती है। टमाटर भी मैंने घिस लिया था यहाँ पर दो, और दाल ना भी थोड़ी सी पानी कम लग रहा था इसमें, गाढ़ी हो गई थी तो पानी को गर्म करके इसमें डालूँगी। साथ ही मैं यहाँ छाछ भी बना रही हूँ जिसमें मैंने भुना जीरा पाउडर और काला नमक डाला है, थोड़ी सी मैं डालती हूँ काली मिर्ची का पाउडर। तो ये देखिए यहाँ पर बीट कर लिया इसको अच्छे से और अभी इसमें पानी जाएगा, तो ये छाछ भी तैयार हो गया है। और यहाँ ये प्याज भी भुन रही है तो इसको बीच बीच में चला देती हूँ। तो ये तड़का पैन छोटा सा है और कमी होती है क्वांटिटी, तो इतना में काम हो जाता है। इसके बाद जब ये भुन जाती है प्याज तो इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है, साथ ही मैं आटा भी लगा रही हूँ। तो ये देखिए गाढ़ी थी, इसमें मैंने पानी गर्म करके थोड़ा सा इसमें और ऐड कर दिया है, अब ये ठीक हो गई है, गल तो गई थी वैसे। सब्ज़ी मैं निकाल लेती हूँ, तो दो सब्ज़ियाँ तैयार हो गई हैं, दाल भी तैयार है, राइस बन गया था और छाछ बन गया है, रोटी बनानी है बस। तो ये लंच की तैयारी पूरी हो गई है। ये अरबी भी निकाल लेती हूँ इसमें, तो ये बर्तन में निकाल लेती हूँ और इसको खाली करके रख देती हूँ क्योंकि शाम को आती है सुमकी तो वो धो देती है, इसलिए मैं सारे खाली करके रख देती हूँ। तो यहाँ मैं तीन रोटी सेक देती हूँ, कई बार होता क्या है कौआ आता है ना आवाज़ देता है, तब मैं ये छोटी सी एक लास्ट में रोटी सेक देती हूँ तो फिर उसको दे देती हूँ, नहीं तो फिर रखी रहती है रात में भी खा ली जाती है। तो बस यहाँ सब तैयार था और अब हम लोग खाएंगे खाना। क्या हाँ चला लीजिए थोड़ा। तो चलिए अब मैं अपनी थाली भी लगा लेती हूँ, साथ में आपकी भी ये थाली है। तो इसमें अरबी की सब्ज़ी है, ककोरी की सब्ज़ी है, दाल है चने की। तो वो चने की दाल में ना मैं थोड़ी सी चीनी और डालती हूँ जो कि मैं आपको दिखाना भूल गई, और अच्छी लगती है हल्की सी मीठी, आधी चम्मच के करीब, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये देखिए लगकर तैयार है बिल्कुल लंच की थाली, सैलेड था। तो ये सुबह जो कट किया था ना मैंने सैंडविच के लिए वही रखा हुआ था, खीरा और टमाटर वही ले लिया है मैंने, फिर से नहीं काटा था। तो चलिए चलकर अब लंच कर लेती हूँ। और यहाँ ये पानी की बोतल आप देख रहे हैं, तो ये खाने के बीच में ना दीदी पानी पीती हैं, कई बार पीती हैं, तीन चार बार, मेरे से तो नहीं इस तरह पिया जाता। मैं तो अगर पानी बीच में पी लूँ तो मेरे से खाना फिर नहीं खाया जाएगा बिल्कुल भी, बाद में ही पीती हूँ वो भी थोड़ा सा देर से 15-20 मिनट के बाद, तो आदत हो जाती है उनको, तो आदत है, वो बिना पानी के खाना नहीं खाती हैं। तो कोई और भी ऐसे करता है आप लोगों में बताइएगा ज़रूर, और इस तरह बीच में पीना ठीक होता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम वैसे। बस यहाँ खाना खाने के बाद मैंने आराम किया था और इसके बाद जब मैं उठी हूँ तो देखिए शाम हो गई है यहाँ पर, और मॉर्निंग में उधर सूरज निकलता है घूमकर फिर शाम को इधर आ जाता है दूसरी बालकनी की तरफ। और आज ना मैं ये अभी मैंने सोचा कि घी ख़त्म हो रहा है क्योंकि जो घी था उसका मैंने लड्डू बना दिया था जो दिया था बेटे को, तो अभी घी ख़त्म हो रहा था, मैंने सोचा चलो शाम को ही बना लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मैं मॉर्निंग में ये काम करती हूँ, पर मैंने आज ये शाम को ही सोचा है कि ये जो मलाई रखी है इससे मक्खन बनाकर घी निकाल लेती हूँ। तो मेरा तरीका जो भी मेरे ब्लॉग्स देख रहे हैं वीडियोज़ उनको पता है मैं इसी तरह से निकालती हूँ हाथों से। तो इस मलाई को निकाल कर बर्तन में जिसमें दूध था
वो खाली कर लिया था, उसी में मैंने मलाई निकाल ली है और हाथों को अच्छे से साफ़ करके इस तरह से बस चलाना है। और ये मुझे तो बहुत इजी लगता है सबसे ज़्यादा तरीका। और इसको लगातार चलाने के बाद ठंडा पानी डालती हूँ 2-3 बार इसको अच्छे से वॉश करके, और मक्खन निकल आता है, गर्म कर लेती हूँ और घी निकल जाता है। हाँ, एक बात मुझे याद आ गई कि कल एक कमेंट आया था कि हाउस हेल्पर की आप बिना परमिशन के वीडियो डाल देते हैं। तो अभी शाम का टाइम है और आपने सुना होगा बेल बजी है और सुमकी आई है, तो सुनिएगा आप ज़रा ध्यान से। तुम्हारा वीडियो लूँ तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं, दिक्कत तो नहीं? हाँ? तुम्हारा वीडियो अगर लूँ तो तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? ना। बिल्कुल भी कुछ भी ना। हाँ, अभी जैसे ऐसे ले लूँ मैं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? ना। थोड़ा थोड़ा उसमें डाल दूँ ना? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं ना, ना आप तो खराब तो कुछ नहीं डालोगी तो वो क्या दौड़ है, डरने का कोई बात नहीं है। वही तो नहीं, कुछ लोगों को क्या लगता है कि बिना पूछे आप डाल देते हो ना उसमें, हमारे जो वो लिखते हैं कमेंट्स उसमें लिखते हैं कि आप अपनी काम वाली से पूछते नहीं हो, मेड से, कि और वो मना नहीं करे, अगर मना करती है तो फिर मैं नहीं डालूंगी, वो सीधी सी बात है। तो आपको विश्वास है आपको घर इतने 3 साल काम कर रही है, मेरा क्या गलती डालोगी? वही तो सच्चे नहीं, मैं तो आप बोला मैं आप तो हाँ ही बोल दिया। हाँ, तो पहले ही बोल दिया था। हाँ, मैं तो सोचा ही नहीं, अब तो बोला मैं तो हाँ दे दिया। हाँ, सच सर कि उला कोई मैडम ना जो ज्यादा खराब है उसको देख के पता चलती है अच्छी नहीं। हाँ, आपको तो साल में मैं 3 साल हो गए काम कर रही है। हाँ, आपको क्या दिक्कत है, मैं कोई प्रॉब्लम ही नहीं। और नहीं, वैसे मैं पूछ के ही डालती हूँ मैं। हाँ, अगर कुछ ऐसा है तो पूछ के, मैंने पहले भी पूछा था तुमसे कि तुम्हारी इसमें फोटो आ जाएगी। हाँ, जब मेरा व्हाट्सएप में डालेगी तो तेरा पता आ जाएगा। और उस पे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो वैसे ही कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, तो यही क्लियर करना था मुझे, क्योंकि बहुत लोग वो करते हैं ना, मतलब कहते हैं कि बिना पूछे डाल देते हो आप। क्या ये देखो, अर्चना तो उसका घर काम कर दिया, दूसरा के ऐसे नाम दे दिया, इसीलिए तो अर्चना उसका घर काम छोड़ दिया। हाँ, ऐसे करती है लोग तो खराब भी करा, अच्छे तो बोला। एक बार इसमें बोल दो ऐसे मेरे साथ, चलो क्या बोलो, इधर आके बोल दो ना। अरे बहुत लोग कहते हैं उसमें फिर अच्छा नहीं लगता ना, ऐसे इधर आओ। बोलो बोलो बोलो। हेलो फ्रेंड्स, दीदी के चैनल पे मैंने परमिशन दे रखी है डालने की। दीदी का चैनल में मैं परमिशन दे दिया, दे रखी पहले से दिया। हाँ, कोई कुछ नहीं बोलेगी। हो जाती उस दिन रास्ते में चिंता हुआ, डर लगती है। आपको लाइक करते थे? सारे लोग लाइक करते थे? लाइक तो करते हैं। हाँ, करती है तो अच्छी बनाती है सब कुछ। वही तो, तभी तो मैंने कहा सुमकी से ही कि मतलब मैं चुपचाप नहीं बना रही हूँ भाई, उससे परमिशन ली है मैंने। अब मैं इतना दिन काम कर रही, आप अच्छी नहीं होती थोड़ी ना करती। हाँ, नहीं अच्छा नहीं लगता ना, मैं तो खुद ही ऐसे काम नहीं करती हूँ कि किसी को ऐसे बिना परमिशन के उसपे। आपको घर में नहीं, गलत तो है अगर बिना पूछे डाल दो तो गलत है बात, वो तो सही। यही तो संगत का असर होता है ना, वो चीज है। मैं तो आपको कितना बार बोला दीदी, मेरे आदमी में कितना लड़ाई करती थी, आप तो कुछ बोलते तो मैं चुप हो जाती, आप बोलो ना चुप हो जा, चुप हो गई। अभी वो खुद ही सुधर गई और कुछ बोलती भी नहीं है, अभी झाड़ू भी फिरती नहीं। अच्छा, पर मैं कैसे होती तो थोड़ा ले जाती, अभी तो कुछ लेती नहीं, उल्टा उसका पास रहती तो मेरे पास में फिर देखती रख देती। उस टाइम से मैं ये फायदा हो गई, दीदी अच्छी बोला, कोना से फायदा है। नहीं, इज्जत तो सबकी होती है, वही तो बात है, छोटा बड़ा थोड़ी थोड़ी कोई होता है भाई। अगर आपसे प्यार से बात करेंगे तभी तो सही से तुम भी करोगी, भले ही चलो सामने नहीं कहोगी, पीछे फिर गाली दोगी ना, है ना, अगर देगी तो। हाँ, सही बात है, पीछे गाली देगी, फिर 2-4 दिन काम करेगी, पैसे उठा के नहीं आएगी। हम सही से बोलते हैं तभी तो तुम्हारे अंदर भी इज्जत होती है हमारी। इसलिए मैं तो बोलती, मैं तो उस दिन बोला, मेरा बड़ा बेटी ने बहुत लड़ाई करा, गाँव से जाओ आप, 20 महीने हो गई आती नहीं, तो मैं तो बोला था, मेरा देवरानी बोला तुम्हारा सब मैडम अच्छी है, मैं कम दे जाना। तो मैं तो बोलती, इसीलिए आपको सुना, इसलिए बोला मैं के दे जाना सब जितना काम है। चलो ठीक है,
और मैं एक ही बात है मेरा जो मेरा में सारे अच्छे है, मेरा बेटा भी बोलती है सबको मेरा मामी बुखार आई ना मैं बहुत डर गई दीदी। अच्छा उस टाइम वाला वाले दीदी ने मेरे को फोन करा तो मैं बहुत रोई थी उस टाइम बुखार से, मैंने बहुत रोई थी उस टाइम, आवाज भी रोते रोते आवाज कर रही है। तो फिर मेरा बेटा पास में है तो बोला मेरा मम्मी का मैडम सारे अच्छी है, मम्मी रोई तो उसको बोला इधर आओ दवाई देगी की अच्छे से रहना आराम से छुट्टी बोला था मम्मी का ध्यान रखना दवाई दवाई दे देना। अरे तो ऐसे तो भाई इंसानियत होनी चाहिए, ऐसे थोड़ी है कि तुमका मेरा खराब है तो भी मैं कुछ बोलूंगी, इसलिए सब बोल रही है सबको बोल रही है मेरा मम्मी का मेरा बहुत अच्छी है। और उसको चाची के कुछ बोला और चुना क्या तो तुम्हारा मेरा बच्चे नहीं, मेरा मम्मी का मतलब बहुत अच्छी है मेरा सब भी अच्छी बात करती है मेरे बोलती है। तो सुना आप लोगों ने, और ख़ास करके जिसने कमेंट किया था उनको क्लियर हो गया होगा। और वैसे मुझे आपके कमेंट का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, आपको जैसा लगा होगा आपने लिख दिया तो कोई बात नहीं, इस तरह के पूछ सकते हैं आप। और अगर ऐसा कोई करता है तो गलत बात है, ये मैं भी मानती हूँ। और देखा आपने, एक्चुअली ये बहुत सालों से काम कर रही है, यहाँ 3 साल से कर रही है और उसके पहले भी करती थी, बीच में ही अपने गाँव चली गई थी। तो बहुत अच्छी है वो भी, और मैं भी उससे बहुत अच्छे से बात करती हूँ। और आपको अगर समझ आया हो तो ये बता रही थी इसके हस्बैंड से ना इसकी बहुत झगड़े होते थे पहले, और मतलब घरेलू जो हिंसा होती है ना उस तरह का ये बताती थी, रोती थी आकर, तो मैं इसे बहुत समझाती थी। और मैंने फ़ोन पे इसके हस्बैंड से बात की थी, मैंने कहा था अब अगर कभी तुमने इस तरह से उसके ऊपर कभी ज़्यादती की तो फिर समझ लेना मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी, पुलिस में आपकी रिपोर्ट करूँगी। उसे मैंने बहुत ज़्यादा वो किया था और वो अब इतना सुधर गया है, वही यहाँ पर वो बता रही है कि अब वो कुछ भी ऐसा नहीं करता है जब से आपने कहा। तो मैं इसको समझाती थी कि जब भी वो गुस्सा हो या बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा करे तो वहाँ से हट जाया करो और बोला मत करो, क्योंकि ये बोलती थी कि मैं भी उतना ही लड़ती हूँ। मैंने कहा वहाँ से हट जाया करो और कुछ भी मत बोला करो, तो इसने वही सब बिल्कुल जैसे मैंने बताया था वैसे ही किया। तो अब ये इतनी खुश रहती है, बहुत ज़्यादा उन दिनों दुखी रहती थी, कई बार मेरे से कहती थी कि मुझे नहीं जीना है दीदी। तो देखिए यहाँ पर ना मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरे घर के अलावा ये जितने भी घरों में काम करती है तो वो लेडीज़ कई बार मिलती हैं और बोलती हैं मेरे से कि सुमकी आपकी बहुत तारीफ़ करती है। तो कहती है वो कि वो दीदी बहुत ही अच्छी हैं, प्यार से मुझे समझाती हैं। और एक बात मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि देखियो जो अच्छा होता है, दिल का अच्छा होता है, उसको खुद नहीं बोलना पड़ता है, खुद उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं होती है, जो उसके आसपास लोग होते हैं वही बोलते हैं और उनको बोलना ही पड़ता है। क्योंकि इंसान ना फेक थोड़े दिनों के लिए दिखा सकता है, ड्रामा कर सकता है अच्छे बनने का, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक नहीं। तो बस मैं यहाँ पर यही कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, सुमकी ने ना मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है और इन लोगों को ना आजकल सब कुछ पता है। आपने बीच में सुना होगा कॉन्वर्सेशन में कि वो बोल रही है कि अच्छा दीदी आपको लाइक मिलते हैं, मतलब लाइक करते हैं लोग, मैंने कहा हाँ करते हैं लाइक, तो उसको सब पता है आजकल, इन लोगों को मालूम होता है व्हाट्सएप क्या है, यूट्यूब क्या है। यहाँ सोसाइटी में जितनी भी काम करती हैं सारी नीचे बैठ कर यूट्यूब देखती हैं, मैंने कई बार देखा है इन लोगों को। तो चलिए कोई बात नहीं, और बस आप इसी तरह से वीडियो देखते रहिए। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मैं आपको कल मिलूँगी, और यहाँ हो गई है रात तो अब मैं जाऊँगी सोने। गुड नाइट, और मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।